हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई 2.0। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सैटरडे संडे के क्लासिक वीकेंड सेशंस में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन द लाइव टेस्ट फॉर यू ऑल। और लाइव टेस्ट में करेंगे आज हम 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन। और ये सारे के सारे 30 क्वेश्चंस जो होंगे, ये होंगे आपके मिक्स एंड मैच फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक, क्योंकि जैसा SSC एग्जामिनेशन पेपर सेट करता है जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी का, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूड करके कुछ छाटा पीटी करके काट पीट करके 25 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वैसे ही आज भी आपको सेशन में पूरे के पूरे 25 प्लस 5 बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 30 क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। अब 30 क्वेश्चंस का सिर्फ और सिर्फ CGL ही क्यों, आपका CHSL भी टारगेट हो जाएगा इसमें, और इसके अलावा SSC JEE भी है, MTS भी है, CPO भी है, दैट मीन्स वॉट नॉट, सारे के सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस तो हैं ही, साइड बाय साइड आपके सारे के सारे SSC के टैग के अंदर आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले तो फटाफट इस वीडियो लिंक को शेयर कर दो। वीडियो लिंक को शेयर करने के साथ साथ एक बात ये ध्यान रखो कि आपको आज पूरे के पूरे सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस है, 30 सेकेंड्स का टाइमर है फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो और कितने क्वेश्चंस को छोड़ देते हो और कितने क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हो, वही सारी चीज़ें आज एनालाइज करनी है आपको। वीकेंड में हम सैटरडे संडे जब ये एक सेशन करवाते हैं तो हमारा उद्देश्य मोटिव टारगेट यही रहता है बेसिकली कि आप सभी की तैयारी जो चल रही है धीरे 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 उसको थोड़ी सी एक स्पीड मिल जाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाए, और जो वीकडेज में हमसे रह जाता है उसको भी हम कवर अप कर लें लास्ट में वीकेंड पे आते आते, राइट। तो इसीलिए ये सेशंस इंपॉर्टेंट बहुत है। लिंक को शेयर कर दो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। और ऑफकोर्स वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। 4 बज चुके हैं शाम के, सेशन शुरू हो चुका है, सो यह लेट्स मूव ऑन, बढ़े आगे है ना, बढ़ते हैं फटाफट। पर सबसे पहले आपको पता ही है, जो भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा हुआ है वो जरा एक बार नोट कर ले ये सारी की सारी टाइमिंग्स, जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है। अब इन फ्री स्पेशल क्लासेस में फायदा पता है क्या है कि ये क्लासेस आपकी मंडे से लेके संडे तक होती हैं, दैट मीन्स सुबह 7:30 से 8:30 और रात में 9 बजे से 10 बजे तक, मंडे से लेके संडे तक आपकी ये सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होंगी। प्लस कोर्स की बात अगर हम करें तो टाइमिंग वही है, लेकिन आने वाली 7th of October को एक नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, और उस 7th of October को जो बैच शुरू हो रहा है वो है आपके IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ अगर एनरोल नहीं किए हुए हो तो जल्दी से एनरोलमेंट भी कर लेना। एनरोलमेंट करने के लिए SMS 10 यूज़ करना है, ताकि सब्सक्रिप्शन के टाइम पे 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाए और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी आप अवेल कर पाए। इसके अलावा जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है, दैट यू ऑल नो इट वेरी वेल, SAMASHTI SHUKL। SSC और स्टेट लेवल का जो बैच ऑलरेडी चल रहा है वो 4th of October को कल ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद इसीलिए 7th of October आई हैव डिसाइडेड द डेट जब हम लोग नया बैच नई क्लास शुरू करेंगे, बट ऑफकोर्स बैंक के जोनर पे, ठीक है। छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस भी इसमें अटैच्ड है, तो वो तो आप लोग को बेहतर तरीके से पता ही है। और अगर कोई ऐसा है जो कि आज पहली बार जुड़ा है तो वो ये देख ले कि किसी भी कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलता है, बटन को क्लिक करते ही आपके पास ड्यूरेशंस के ऑप्शन आ जाते हैं, और जब आपके पास ड्यूरेशंस के ऑप्शन आ जाते हैं तो बस करना क्या है, आपको ड्यूरेशन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल जैसा हमारा होता है, बस वैसे का वैसे ही इसमें आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ अटैच मिलेंगी, बस प्रोसीड टू पे करोगे। लेकिन प्रोसीड टू पे से पहले अप्लाई कोड ज़रूर कर देना, और जैसे ही अप्लाई कोड करोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस आपको आपके परचेजिंग कॉर्नर पे दिखने लगेगा। तो जब आपको वो परचेजिंग कॉर्नर पे दिखने लगेगा तो बस आराम से आप फिर अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो, होप ये सारी की सारी बातें तो क्लियर हैं। अब अगर ये सारी बातें क्लियर हैं सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस फटाफट, बिकॉज आई नो आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई एम टू एक्साइटेड टू सी कि आप सभी का परफॉर्मेंस आज क्या रहने वाला है, सो लेट्स मूव ऑन फटाफट टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ओके।
चलो तो लेट्स सी यस, आप सभी के कमेंट्स ही हम देख रहे थे, आप सभी यहाँ पे कनेक्ट भी हो गए हमारे साथ में और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड भी हैं। तो चलो नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, हियर द फर्स्ट वन, 30 seconds स्टार्टेड। देखो कल क्लास नहीं हुई थी, आप सभी को हम बता दें यहाँ पे कल गांधी जयंती के हॉलिडे की वजह से कल क्लास नहीं हुई थी और ये लास्ट मोमेंट पे हमको पता चला था, इसीलिए हम आप लोगों को परसों बता नहीं पाए थे। तो कोई नहीं, हमारा लाइव क्विज बचा हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट वीक में कर लेंगे कभी भी, बट मंडे को जैसा हमने कमिटमेंट किया है इमेजेस के क्वेश्चन करेंगे तो इमेजेस के क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस करें इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर वन का टाइम अप हो चुका है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग बेस की है, सो लेट्स सी। ओके लेट्स सी, डेमोन्स्ट्रेट का कोड दिया हुआ है या एनालॉगी रिलेशन दिया हुआ है, करप्ट का हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप चेक करोगे तो ऑब्वियसली कोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट में ही तो चेक करोगे, तो डिमॉन्स्ट्रेट थोड़ा सा छोटा लिखे हम, DEMONSTRATE, ठीक है। अब इसके साथ क्या दिया हुआ है, NO देन MED फिर STRATE, तो STRATE से एक बात समझ गए, सॉरी SETRATE, हमने डेमोन्स्ट्रेट का ही एज इट इज रिपीट कर दिया, ये है SETARTE। अब देखो पैटर्न समझ में आया, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत ही बेसिक सा, क्रॉस में हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, NOMED, तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। ऑफकोर्स S और S तो सीधा सीधा सा हो गया, ई यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, फिर ये टी, फिर ये आर, फिर ये ए, दैट मीन्स क्रॉस एंड स्ट्रेट। तो वही चीज जब हम करप्ट पे करेंगे, CORRUPT, तो आर और आर तो एज इट इज बीच में रहेगा, फिर एक आर इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका टी हो जाएगा, लास्ट में यू हो जाएगा, इधर पी हो जाएगा, तो ROCRTPU, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यस, कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए टाइप कर रहे थे, मे बी यस की कुछ क्रॉस करने में, चेंज करने में शायद गलती हुई थी, बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds। बताओ टाइम अप, अब यहाँ दिमाग लगा रहे होगे 85 को 58 कैसे बनाया, स्क्वायर किया, क्यूब किया, माइनस किया, प्लस किया, कैसे उसको किया, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन, तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सेशन में सिंपल क्वेश्चंस ही होंगे, जब भी आपको कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चंस लगातार दिखे दैट मींस कोई ना कोई ट्विस्टेड, कोई ना कोई ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला है, तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो अब देखें यहां पे 85 का 58 हुआ है, जस्ट सिंपली नंबर्स जो है हमारे आगे पीछे हो जा रहे हैं, अब 64 का क्या हो रहा है, 4 आगे आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds। अब बोलो इसकी हिंदी नहीं है यहाँ पे, तो इसकी हिंदी की रिक्वायरमेंट ही नहीं, बिना हिंदी की रिक्वायरमेंट के इसका आंसर देना है आपको।
चलो डन, ओके। तो ये साउंड हो गए, साउंड है ये, है ना। डॉग्स बार्क तो स्पैरो चर्प, मतलब चिड़ियों के जो वो चहचहाने वाली आवाज होती है दैट इज कॉल्ड चर्प, ठीक है। अब ग्रंट स्नॉट हाउल ये कौन करता है, जल्दी से, आई वॉन्टेड टू नो, क्विकली टेल मी, ग्रंट कौन करता है, स्नॉट कौन करता है, हाउल कौन करता है, क्योंकि यार ये तो एनालॉगी है ना, अगली बार पता चले इन्हीं के पूछ लिए जाए तब बताओ। टेल मी, ग्रंट इज द साउंड ऑफ विच एनिमल, ग्रंट इज द साउंड ऑफ पिग, गुड। स्नॉट बताओ जल्दी से, हाँ सोचो जल्दी जल्दी जल्दी, स्नॉट किसी जानवर की आवाज नहीं है, ये हमारे खराटों की आवाज, ठीक है। हाउल, तो हाउल इज अ साउंड ऑफ आउल, ठीक है। चलो वेरी नाइस, वेरी गुड, आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पे, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, 30 seconds। टाइम अप हो गया है, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, मेंटल, बोलो 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 बोलो, ऑप्शन नंबर डी, गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब यार इसकी हिंदी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, क्योंकि लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर ये सारे के सारे क्या हैं, अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, और मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल इज द मिडिल पार्ट या सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब नीचे लैंड के अंदर जब जाएंगे हम, है ना, तो ये हो गया, बाकी सारी की सारी हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स के नाम है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला 30 seconds। चलो बताओ बताओ जल्दी, लेटर्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी प्लेस वैल्यूज का ही रिलेशन होगा अगेन, हाँ डब्ल्यू टी एस आर ई डी, सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है, देखो डब्ल्यू टी 2320, एस आर 1918, ई डी 54, के जे 1110, सब में माइनस वन समझ में आ रहा है, लेकिन इस डब्ल्यू टी 2320 में माइनस थ्री आ रहा है, सो दैट इज वाई ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज डब्ल्यू टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
30 seconds. गया बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. आई एम वेटिंग फॉर इट. टेल मी क्विकली. चलो बढ़िया. नंबर्स ही नंबर्स है तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले तो जरा इनका डिफरेंस देख लें. अब 41 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 19. 63 और 93 के बीच का डिफरेंस 30. 82 और 44 के बीच का डिफरेंस 38. और 83 और 64 के बीच का डिफरेंस 90. करेक्ट. तो अब देखो जरा डिफरेंस अगर हम चेक करें तो 41, 22, 90 का डिफरेंस आ रहा है, 63, 93, 30 का डिफरेंस आ रहा है, फिर इसके बाद 82, 44 में 38 का डिफरेंस आ रहा है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 83, 64 में अगेन 19 का डिफरेंस आ रहा है. तो सिंपल सी बात है यार, ये 19, 38, 19 ये तीनों के तीनों 7. 30 seconds. Do it quickly. टाइम अप. ओके, अब हमें क्या करना है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन डिक्शनरी. अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करना है, और डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अगर हम अरे तो डेफिनेटली हम अल्फाबेट्स के हिसाब से जाएंगे. अल्फाबेट्स का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड. अगर फर्स्ट वाला सेम है, सेकेंड वाला सेम है, तो थोड़ा भी सेम है, तो वी विल गो विद द फोर्थ वाला. अब फोर्थ वाले के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो कैडेट रेली आएगा, सी ए डी ए सबसे पहले. फिर इसके बाद सी ए डबल डी आई, सी ए डी यू या सी ए डी ई या सी ए डबल डी आई. तो ऑफकोर्स सी ए यस, क्योंकि डबल डी है ना, और डी ई तो फिर उसके बाद ही आएगा. अब डबल डी आई एस और डबल डी आई एस यहाँ तक तो सब सेम हो गया. डबल डी आई एस यहाँ भी सेम हो गया, डबल डी आई एस यहाँ भी सेम हो गया. दैट मीन्स अब हम देखेंगे एफ या डब्ल्यू. तो ऑब्वियसली पहले एफ आएगा, तो कैडिस फ्लाइज विल कम ओवर फर्स्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा कैडिस वॉर्म्स. डन. तो कैडेट रेली, कैडिस फ्लाइज, कैडिस वॉर्म्स. फिर इसके बाद आ जाएगा आपका कैडेट शिप्स. कैडेट शिप्स के बाद लास्ट में आ जाएगा कैडेसाइट्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला. दैट मीन्स हमारा सीक्वेंस क्या बन के आ रहा है, 1, 2, 5, 3. सो 1, 2, 4, 5, 3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डन. चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. 30 seconds.
वीडियो रुक रहा है, ओके जस्ट नाउ बैक इन एक्शन, यस ओके यस यस नाउ लेट्स डिस्कस। अब सारी चीजें सही है आई गेस, अब वीडियो भी नहीं रुकेगा और अब कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो चलो फोकस नाउ। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, वन और टू टर्म्स मिसिंग। अब हमें ऑल्टरनेटिव चूज करना है जिससे सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। अब ये जो हमारी सीरीज दी हुई है ना, ये सीरीज किस पे बेस्ड है बताओ, सिविलाइजेशंस पे बेस्ड है, दैट मीन्स ये हिस्ट्री का पार्ट आ गया यहाँ पे। अब मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, अब इसके बाद क्या आएगा, ग्रीक, रोमन, पर्शियन या इंडस वैली। तो टेल मी क्विकली, क्योंकि बीच में आना है ना मेसोपोटेमियन, इजिप्शियन, फिर क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में दिया हुआ है चाइनीज सिविलाइजेशन। सो डेफिनेटली आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि अगर आप इनके टाइम पीरियड्स की बात करो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन था आपका 4000 बीसी में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था 3600 बीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका 2500 बीसी। एक करेक्शन है इसमें, ये 36 नहीं 3400 था, ठीक है। और फिर उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो ये तो आपका 1705। ठीक है, तो मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद इजिप्शियन, और फिर आया फिर कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक डन, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, 30 सेकेंड्स। Do it quickly. चलो टाइम अप। सिंपल क्वेश्चन, TUWZACFGILMO, दैट मीन्स अगेन आपके अल्फाबेट्स हैं तो अल्फाबेट्स का रिपीटेशन तो देखना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। TUWZACFGILMO, तो अब यार देखो एक बात, ये 20 है, ये 26 है, ये 21 है, ये 1 है, देन ये 23 है, ये 3 है, दैट मीन्स ठीक है, तो यही पैटर्न फिर आगे भी आपका चलेगा, और आगे जब चलेगा तो LMO को उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्योंकि सब जगह प्लस सिक्स का ही फॉर्मेट हो रहा है ना, तो अगर हम ये बोलते हैं LMO में प्लस सिक्स, तो 12 और 6 होता है 18, 13 और 6 होता है 17, फिर उसके बाद O है हमारा 15, अब 15 में तो ये हो जाएगा लास्ट में आपका कितना 21, 21 के हिसाब से U, तो अब यहाँ पे अगर हम कोड देखें तो व्हाट कुड बी द कोड, कोड अगर आप देखोगे तो क्या होगा, डन ना, पक्का प्लस सिक्स हो रहा है, सो दैट मींस आंसर आ गया आपका RSU। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10, 30 सेकेंड्स। नंबर सीरीज है, अब थोड़ा सा ध्यान से करना। हो गया टाइम अप, चलो बताओ 5, 8, 12, 17, 23 क्वेश्चन मार्क।
बोलो बोलो आंसर जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग यार क्विकली। 30 30 30 तो टाइप कर रहे हो, कुछ लोग देखो बीच बीच में यहाँ पे 65 भी टाइप कर रहे थे, और वही हमको यहाँ जानना है कि कैसे 65 आएगा कैसे, क्योंकि 30 आंसर आ रहा है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि अगेन अगेन बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। 5 से लेके 8 तक अगर हम देखें यहाँ पे, तो 5 से लेके 8 तक प्लस 3 हो रहा है, 8 से लेके 12 तक प्लस 4 हो रहा है, 12 से लेके 17 देखो तो प्लस 5, 17 से 23 प्लस 6, सो नाउ व्हाट इट विल बी प्लस 7, तो 23 प्लस 7 इज 30, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलो लेट्स सी द 11th क्वेश्चन, 30 सेकंड्स, नाउ दिस इज कोडिंग डिकोडिंग। लेट्स सी, मेटरनल का कोड दिया है, रिमेंबर का कोड फाइंड आउट करना है। एक निश्चित कोड भाषा में मेटरनल को RIALMATE लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में यस नाइस वेरी नाइस। डन, फिर आंसर डिस्कस करें इसका, ऑप्शन नंबर सी हाँ करेक्ट है ना, क्योंकि यहां देखो क्या हो रहा है, अब मेटरनल को अगर हम हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ एक बात हो गई, एक मिनट रुको ऑप्शन नंबर सी तो आंसर आ रहा है, करेक्ट है, लेकिन यहां पे एक चीज ये देखो कि ये जो n दिया हुआ है, यहां n आएगा ना, आर एन ए, ठीक है, वो जो आई लिखा हुआ है दैट इज आर एन ए करेक्ट, तो मेटरनल का कोड दिया है RNALMATE, सिंपली हमने फर्स्ट वाले उठा के लास्ट में, लास्ट वाले उठा के फर्स्ट में रख देने, तो उस हिसाब से अगर हम रिमेंबर का कोड निकालेंगे, अब हमने करेक्ट कर दी, तो REME लास्ट में चला जाएगा, MBER इधर आ जाएगा, ठीक है। मेटरनल एक्चुअली अगर ये वर्ड मटेरियल होता ना, MATERIAL, तब ये सही होता, RIAL यहां होता, MATE यहां होता, पर कोई बात नहीं, मेटरनल से भी ले लिया हमने, मटेरियल से भी देख लिया, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, मिसिंग नंबर 30 सेकेंड्स। मिसिंग नंबर है क्विकली, चलो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये देखो, ये 32 क्या है, 32 एक्चुअली 4 8 सा होता है, 48 क्या है, 48 इज 5 6 8 सा, ठीक है, या फिर इसको 8 6 करो, दोनों में से कुछ भी। फिर उसके बाद अब यहां पे भी वही चीज होनी वाली है, लेकिन ये 4 और 8 आया कहां से, 5 माइनस 1 9 माइनस 1,
तो उस हिसाब से अगर हम 7-1 कर दें तो 7-1 6 होता है, 6 × 9 दैट इज 54, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। करो करो जल्दी क्विकली। चलो टाइम अप हो गया। अब बस क्या करना है, लेटर्स की जगह में सिंबल्स को प्लेस कर देना। अब जिसमें क्या बोला जा रहा है, देखो एस डिनोट्स मल्टीप्लाई, पी डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड, फिर उसके बाद आर डिनोट्स एडेड एंड क्यू डिनोट्स डिवाइड। ठीक है, तो बस जहां जहां जो जो लेटर है हम उसको एज इट इज रिप्लेस कर देंगे। क्यू की जगह क्या है, डिवाइडेड बाय, पी की जगह क्या है, सब्ट्रैक्टेड, एस की जगह है मल्टीप्लाइड और आर की जगह है एडेड। राइट, तो अब जब हमने इक्वेशन को ले लेना है ना, तो इसी तरीके से ले लेंगे, 14641 डिवाइडेड बाय 121 माइनस 100 मल्टीप्लाइड टू 2 एड्स 100। ठीक है, तो अब जब ये होगा तो कैसे होगा ये, तो यार ऑब्वियस सी बात है, 14641 को जब आप डिवाइड करोगे, चाहे 11 से करो या कुछ करो, तो आप ये देखो 121 का स्क्वायर क्या होता है, टेल मी वन थिंग जल्दी से, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 121? 121 का स्क्वायर होता है 14641, तो हम ये कह सकते हैं 14641 is completely divisible by 121. Yes, तो यहाँ पे हमने रखा 121 minus, अब 100 into 2 कर दो directly, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा ना, हम divide करते हैं, divide करने के साथ साथ multiplication भी करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 100 into 2 कर दे रहे हैं तो ये 200 हो जा रहा है, plus 100, done। तो अब इस हिसाब से देखो 121 माइनस 200, तो ये हो गया कितना हमारा, 121 प्लस 100 कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 221 माइनस 200 कर दो, तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे कर दो, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21 ही। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला, 30 सेकेंड्स। चलो टाइम अप, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है ये। पूनम टोल्ड अक्षय दैट यस्टरडे शी डिफीटेड अक्षय'स ओनली सिस्टर्स डॉटर स्नेहा इन अ स्कूल ताइक्वांडो कंपटीशन, हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू स्नेहा? वेरी सिंपल, यस, क्योंकि ये देखो रिलेशन चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो अक्षय की ओनली सिस्टर की डॉटर है स्नेहा, अक्षय के इकलौती बहन की बेटी है स्नेहा, तो बहन की बेटी का वो खुद तो मामा कहलाया ना, मामा या तो फिर अंकल, राइट? तो पूरा रिलेशन चार्ट बनाने की तो कहीं भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन अगर केयरफुली रीड करोगे तो आंसर आ जाएगा, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। चलो करो क्विकली,
ओके डन, टाइम अप हो गया। अब देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग इज सिंपल क्वेश्चन अगेन। अब क्या बोला है, तारक इज 18th फ्रॉम ईदर एंड। अब 18th फ्रॉम ईदर एंड का मतलब ये हुआ कि 18 इधर से भी है, 18 इधर से भी है, तो माइनस वन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो टोटल निकालना है, और जब हमें टोटल निकालना है तो 18 18 कितना हो जाता है 36, 36 में से एक जाएगा तो बचेगा 35। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 16th क्वेश्चन, 30 seconds। अब बताओ सिंपल सा क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब कैन नॉट बी फॉर्म बोला है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एब्सोल्यूट से, तो यार एब्सोल्यूट से बेस तो बन सकता है बी ए एस ई, बोस भी बन सकता है बी ओ एस ई, LOSE लॉस भी बन सकता है, लेकिन सॉल्व नहीं बनेगा ना। अब सॉल्व क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सॉल्व में V दिया हुआ है और एब्सोल्यूट में V कहीं पे भी नहीं। बात समझ आई? चलो तो लेट सी द 17th क्वेश्चन, 30 seconds। चलो चलो करो करो क्विकली। डन, सिलॉग है ये, बस कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा यही बताना है। एंड बहुत ही सिंपल से अगर आप देखो तो ऑल फैंस आर कप्स, फैन कप के अंदर, ऑल कप्स आर पिलोस, कप्स पिलो के अंदर। अब बोले ऑल फैंस आर पिलोस, सभी पंखे जो हैं वो तकिए हैं, तो हाँ है ना, क्योंकि अगर फैन आपका कप के अंदर, कप आपका पिलो के अंदर, तो फैन आपका पिलो के अंदर। फिर बोला ऑल पिलोज आर फैंस, सारे के सारे पिलो फैन हैं, नहीं है, क्योंकि सम की बात होती तो सही होता, ऑल पे नहीं होगा। दैट मीन्स आंसर हो गया हमारा यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन फॉलोस। बात समझ आई सबको? क्लियर? चलो तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, 30 seconds। कैलेंडर का क्वेश्चन है अब ये। चलो टेल मी अ सिंपल क्वेश्चन आई गेस। 5th जनवरी 2011 को थर्सडे था, क्या था? 5th जनवरी 2011 का दिन था थर्सडे। तो अब हमें बताना है 1st जनवरी 2013। तो सबसे पहले तो हम क्या करें यार, फिफ्थ से फिफ्थ का ही निकाल सकते हैं आराम से। तो 5th जनवरी 2011 का थर्सडे, तो 5th जनवरी 2012 का कितना हो जाएगा फ्राइडे, क्योंकि नॉर्मल ईयर है ऑफकोर्स। ठीक है, अब उसके बाद 5th जनवरी 2013 की अब अगर हम बात करेंगे ना, तो ये संडे हो जाएगा। यहाँ ऑड डे प्लस वन हुआ था, पर यहाँ ऑड डे प्लस टू होगा। रीजन, 2012 इज अ लीप ईयर। यस,
तो बस 5 जनवरी 2013 तक आते आते प्लस टू हो जाएगा। अब 5 जनवरी का पता चल गया, 1 जनवरी का निकालना है, वॉट सो डिफिकल्ट इन दैट बताओ? सिंपल ये है कि नहीं है। 5 जनवरी को अगर संडे आया है तो 4 जनवरी को सैटरडे होगा, 3 जनवरी को फ्राइडे होगा, 2 जनवरी को थर्सडे होगा, तो बचा कौन सा? 1 जनवरी। तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेंसडे। ठीक है, चल लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स। करो करो क्विकली। करो करो जल्दी जल्दी क्विकली, टाइम अप तो हो गया है। सबका गलत नहीं संदीप, ऐसा नहीं होता, सबका गलत नहीं होता। कई बार यार आप लोग पता है आंसर कई बार सही निकालते हो लेकिन ऑप्शन गलत मार्क कर देते हो, यहाँ पे पोस्ट गलत कर देते हो, ये भी होता है अक्सर। चलो तो अब देखो यहाँ पे डैश बी सी डैश क्यू डैश ए बी डैश पी डैश आर। अब हमें यहाँ पे लेटर्स कौन से दिख रहे हैं? ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है और क्यू भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है। तो इन्हीं से ही हम फिलिंग करेंगे। यस, अब इन्हीं से जब हम फिलिंग करेंगे तो ये समझो एबीसी एबीसी तो ये हो गया पी क्यू आर। दैट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम आंसर क्या मार्क करेंगे? ए पी आर सी क्यू। सो ए पी आर सी क्यू ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20। 30 सेकेंड्स। ओके लेट्स सी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी पूर्व की ओर मुख करके बैठा है। ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर्स, देन टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। यस, अब 270 का मतलब हुआ 180 प्लस 90। ठीक है, अब इसके बाद इतना तो हो गया। अब इसके बाद में आगे क्या बोला है? वॉक्स फॉर 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब ईस्ट की तरफ कोई देख रहा था, ईस्ट की तरफ देखते देखते नॉर्थ की तरफ मुड़ा, 5 किलोमीटर चल दिया। अब 5 किलोमीटर चलने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री, तो 180 प्लस 90 होता है एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स अगेन इस डायरेक्शन पे आगे। अब यहां से वॉक्स फॉर 12 किलोमीटर्स। ठीक है, वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन? अब मिनिमम डिस्टेंस बतानी है इनिशियल और फाइनल पोजिशन की। सो आई गेस यस, आराम से निकाला जा सकता है इसको। हाँ, 13 किलोमीटर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 21st क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स। नाउ फिगर काउंटिंग है यहाँ पे, ध्यान से करना।
चलो डिस्कस करें फिगर काउंटिंग का. बोलो बोलो. सिंपल है यार, यहाँ पे ना दो ट्राइंगल्स को जोड़ के आपका एक फिगर सामने रखा हुआ है. तो अब अगर हम इसको अलग अलग कर दें, मान लो जो नीचे वाला ट्राइंगल था उसको हमने ले लिया, पिक कर लिया एज इट इज, और ये जो ऊपर का ट्राइंगल है इसको हमने हटा दिया यहाँ से. तब देखो इस तरीके का बन रहा है ना शेप. अब जब इस तरीके का बन रहा है यार, तो देखो सिंपली वन और टू, तो ये तो वन प्लस टू थ्री हो गया. अच्छा, इसके बाद वन प्लस टू थ्री, और इधर से देखो तो वन प्लस टू, तो इतने सारे वन प्लस टू करोगे तो कैसे काम चलेगा. काम चलने का मतलब ये हुआ कि आप एक ही ट्राइंगल को दो दो तीन तीन बार भी ऐड कर रहे हो ना, तो वो भी बात आ जाती है यहाँ पे. तो इसीलिए सिंपली हम ऐसे नहीं करेंगे. आप ये बताओ, आपको ये पता है ये वही वाला ट्राइंगल है जिसमें एक दो तीन चार पाँच छः वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, बल्कि इसमें ये चलता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से है ना. आउटर वाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और दो बड़े वाले तो ये एट हो गए. तो एट तो हमारे ये हो गए. अब इसके बाद इनसाइड वाले भी आपको कट करने हैं, और इनसाइड वाले भी जब आप कट करोगे तो वन प्लस टू, वन प्लस टू करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने ये बड़े ट्राइंगल को ऑलरेडी इसको सिक्स प्लस टू एट करने में काउंट कर लिया है. तो अब ये हो जाएगा हमारा एक और एट, तो ये हो गया दो. सेम कंडीशन देखो यहाँ से, एक और दो, फिर दूसरी कंडीशन देखो एक और दो. अब यहाँ पे ये दो ही लोगे क्योंकि आप ये बाहर वाला आउटर तो ले चुके हो पहले ही. सेम कंडीशन यहाँ पे, तो फिर से ये दो ले लोगे. तो ये देखो दो चार छः आठ दस, अठारह तो यही हो ही गया. अब अठारह होने के बाद में अभी हमने हिडन काउंट नहीं किया. दूसरी चीज ये देखो, एक ट्राइंगल ये भी है, एक ट्राइंगल ये भी है, फिर एक ट्राइंगल ये भी है कि नहीं है. तो 18 प्लस 3 तो यहां से हो ही गया. फिर उसके बाद जब हमने ये वाले ले लिए, तो अब अगले एक दो तीन, और ये इधर से गया तो चार. ठीक है, तो इस हिसाब से बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है. तुक्का बिल्कुल मत मारो यार, तुक्का मारोगे तो कैसे काम चलेगा. ठीक है, 18 प्लस 3 हम 21 तक तो पहुंच गए. अब 21 तक पहुंचने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, हिडन ट्राइंगल्स कितने होंगे. ये दो हमारे ट्राइंगल जुड़े हुए हैं और बीच में कटिंग भी बनी हुई है, तो हिडन ट्राइंगल इसमें दो फिगर के हिसाब से चार तो होने ही होने. यस, अच्छा इसके बाद में अगर और ये अंदर वाले चेक करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो दोनों को जोड़ने के बाद हिडन हमने ले लिए चार. फिर इसके बाद में जब आप इसको इनसाइड से ये करोगे, देखो चाहे आप इधर से ये छोटा वाला ले लो, ये इस तरीके से जाके एक ये हो गया है ना, एक ये छोटा वाला हो गया, फिर एक ये छोटा वाला हो गया. तो ऐसे भी तो आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो दो ट्राइंगल्स यहाँ से भी निकल के आएंगे. तो ये हो गए हमारे, तो 27 इज द राइट आंसर इस तरीके से. अब जिसे उसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप सिंपली ये देखो कि एक दो तीन चार पाँच छ, अगर ये बीच के पार्टीशंस नहीं होते, बीच में लाइन नहीं होती, तो आठ ही ट्राइंगल होते इसमें. ठीक है, अब ये दो चार हो गया. फिर इसके बाद एक दो तीन चार, ये चार हो गया. फिर इसके बाद ये बड़े वाले ले लो, एक यहां से ले लो, ये दो यहां से ले लो, ये तीन, और फिर ये वाला ले लो इधर से चार. ठीक है, अब इसके बाद में दो ट्राइंगल्स ऐड है तो हिडन भी होंगे. तो दो ट्राइंगल्स मतलब दो फिगर जब ऐड होते हैं तो उसमें हिडन चार का फिगर बन के आता है. ठीक है, तो कितना हुआ ये देखो हमारा आठ
चार बारह, सोलह बीस, चौबीस, ठीक है। अब एक्सेसिव में ये बिगर भी तो लेने पड़ेंगे हमें, एक ये, एक ये और एक ये, तो प्लस तीन हो गए यहाँ पे, समझ में आया। एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इसको स्किप कर देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व जरूर करो ताकि आपको पता तो चले कि एक्चुअली आप आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 30 seconds स्टार्टेड। दिनेश एक बार बेटा काउंट करना दोबारा, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में होता यही है, लगता है हमें कि हम एक ही चीज़ को बार बार आपको बता रहे हैं और आपको भी यही लगेगा करते करते कि आप एक ही लाइन को, एक ही ट्रायंगल को कई बार काउंट कर रहे हो, ठीक है। चलो लेट्स सी, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है, अभी जब आपसे सॉल्व करके, लाइन करके, बना के, खुद से करने पे बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पैटर्न जो है वो खुद ही में कंफ्यूजन बना देगा, ठीक। चलो देखो क्या है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। अब फिगर फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट करना है, वेरी वेरी सिंपल, यस, क्योंकि आप ये देखो, ये राइट साइड वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट और लेफ्ट सेम होंगे, दैट मीन्स आंसर इज सिंपली ऑप्शन नंबर डी, सिंपल वन, ठीक है। लेट्स सी 23rd क्वेश्चन, 30 seconds। बिल्कुल किरण, आई एग्री, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हमने आपसे कहा कि एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट सॉल्व करके थोड़ा कोशिश तो करनी चाहिए ना हम लोगों को। चलो करो फटाफट, एम्बेडेड फिगर बताना है, हिडन आइडेंटिटी, या फिर ये बोले कि चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अगेन ऑप्शन नंबर डी 4, ओके, क्योंकि ये हो रहा है सिंपली करेक्ट। हो गया, चलो अगला करो जल्दी से, 30 seconds। वेन डायग्राम है ये, ओके, टाइम अप। टीचर मैन एंड वुमन, शिक्षक पुरुष और महिला, अब बताओ, टीचर मैन वुमन, ऑप्शन नंबर डी अगेन, क्योंकि टीचर आपका मेल भी हो सकता है, टीचर आपका फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा कि टीचर के अंदर मेल भी बना दो फीमेल भी बना दो, क्योंकि सारे के सारे मेन टीचर नहीं है, सारे की सारी वुमन टीचर नहीं है, तो इसीलिए ये सम का इंटरसेक्शन बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो डू द नेक्स्ट वाला, 30 seconds।
टाइम आप पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग है, और पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग है तो किस तरीके से आएगा आंसर, लेट्स सी. वेरी सिंपल, जैसे जैसे फोल्ड हो रहा है वैसे वैसे रिफ्लेक्शन पे बनाना है हमको, तो उस हिसाब से देखो तो ट्राइंगल इधर और इधर, दैट मीन्स ये तो इधर कटेंगे ही कटेंगे तीन तीन, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर थ्री तो कैंसिल हो गया. अब बीच में जो ट्राइंगल्स बने हुए इनकी वाटर इमेज बनेगी, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर चार में कहीं भी कोई भी इमेज नहीं बन रही है, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू. ठीक है, 26th क्वेश्चन, 30 seconds, करो जल्दी से. चलो जल्दी से क्विकली टेल मी, 180 चेक करो जल्दी, तो 180 बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, कैसे बनेगा, 30 + 70 + 60 + 20 सबको ऐड कर दो तो ये 10, ठीक है 180 हो गया. 120 अगर हम देखें तो 120 ऑफ कोर्स बनेगा ही बनेगा, 120 तो बन ही जाएगा ना आराम से. हाँ 30 + 70 + 20 150 अगर देखें तो 30 + 60 + 70 करेक्ट, नहीं 60 + 70 + 20 लेकिन वहीं अगर हम 190 देखें तो 190 नहीं बनेगा हमसे. ठीक है 190 नहीं बनेगा क्योंकि अगर 180 बनी जा रहा है मैक्सिमम सबको ऐड करके, तो बस 190 इज द वन जिसका हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते. चलो 27th क्वेश्चन, 30 seconds. क्विकली क्विकली, जॉस्लिंग में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, जॉस्लिंग में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता. ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इनलेट, क्योंकि इनलेट में ई दिया हुआ है और जॉस्लिंग में कहीं भी ई नहीं है. डन, 28th क्वेश्चन, 30 seconds. क्विकली क्विकली, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये. चलो टाइम अप, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, वाइल्ड हॉर्न, WILDHORN. अब जब इसका कोड लोगे ना, इनकी प्लेस वैल्यूज 23 + 9 + 12 + 4 + 8 + 15 + 14 + 18 जब इन सबको ऐड कर दोगे तो ऐड करके यू विल गेट 103, करेक्ट. अब इस 103 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1133. सेम कंडीशन रैप्चर के साथ है, RAPTURE. तब यहाँ पे क्या हुआ, 18 + 1 + 16 + 20 + 21 + 18 + 5 जब इन सबको ऐड कर दोगे तो 99 मिल जाएगा. अब जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 1089. तो बस पोर्ट लुइस के साथ भी वही करना है, पोर्ट लुइस की सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड करना, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 11 कर देना,
यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1595. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 30 seconds. चलो अब देखो, ए डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड बाय, बी डिनोट्स एडेड टू, सी डिनोट्स डिवाइडेड बाय, डी डिनोट्स मल्टीप्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि कौन सा वाला एक्चुअली करेक्ट है. तो यस, सारे के सारे ऑप्शंस को तो चेक करना ही पड़ेगा. सारे के सारे ऑप्शंस को साइन को रख के चेक करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, क्योंकि यस क्लास का टाइम भी ऊपर हो चुका है, 5 PM भी हो ही चुका है. बट ऑफकोर्स आप लोग जब सारे के सारे साइंस को रख के चेक कर लेना, तो आंसर यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी. तो देखो प्रिया सिंह का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड. 30th question, 30 seconds, जल्दी से समझो इसको भी. Let's see, 925, reverse कर दो 529, now 529 is 23 का square, समझ गए? 148, reverse कर दिया 841, so 841 is 29 का square. अब यहाँ पे एक चीज missing हो गई है, तो वो हम note कर देते हैं. 1*6 *3 is equal to question mark. ठीक है, 1*6*3 question mark. तो 1*6*3 मतलब 163, ये हो गया 361. अब 361 किसका square है? 19 का, of course. So yes, option number A is the right answer. ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 30 questions. एक बार classes के timing दोबारा से देख लो. मंडे से लेके फ्राइडे तक हम आपके साथ जुड़ते हैं 4:30 बजे, और सैटरडे संडे हम कनेक्ट करते हैं आपके साथ 4 PM पे. बाकी अनअकैडमी पे क्लासेस की टाइमिंग 7:30 से 8:30 बैंक, 9 से 10 SSC, 12 बजे से 1 बजे तक प्लस का कोर्स. 7th of October को आई एम स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो SMS 10 code यूज़ करके, 10% discount अवेल करके, सारी फैसिलिटीज़ चेक करके. अन अकेडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें. एंड ऑफकोर्स सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कल शाम को फिर हम लोग यहाँ पे जुड़ेंगे 4 बजे कुछ और 30 questions लेके, कुछ और questions के फॉर्मेट्स लेके. तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिस.